नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, कुछ दिन पहले अगर बात करें तो शिवखोड़ी से आते हुए भक्तों की भक्तजनों की गाड़ी पर किस तरह से आतंकियों ने, इनकार आतंकियों ने एम्बुश लगाकर यानी घात लगाकर हमला किया था, जिसमें लगभग 9 जो हमने अपने तीर्थ यात्री थे उन्हें जान गंवाई और जिसमें अन्य लोग काफ़ी 43 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उसी के चलते रियासी पुलिस द्वारा एक स्केच तैयार किया गया था, जो इस समय आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये स्केच वहां के चश्मदीदों के द्वारा बनाया गया, डिस्क्रिप्शन के आधार पर ये स्केच बनाया गया था ताकि आम जनता तक ये जानकारियाँ पहुँच जाए। उसी के चलते कल एक खबर अखनूर से आ रही थी, जिसे SP ब्रिजेश शर्मा ने पूरी तरह से उस खबर को यानी सामने जनता के क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये एक व्यक्ति जो पोर्टर का काम करते थे यानी हमारे सुरक्षा बलों के साथ, ये वहाँ पर अखनूर में पहुँचते, अखनूर के बाज़ार में उस समय हड़कंप मच जाता है जब ये व्यक्ति वहाँ पर आता है, छुट्टी में आता है, अपने घर पर आता है, तो वहीं पर लोगों के द्वारा ये धारणा हो जाती है कि कहीं ये स्केच जो है उसके साथ मिलता जुलता है। उस व्यक्ति का भी देख रहे हैं आप, एक स्केच और एक व्यक्ति की सच में तस्वीर जो है आपके सामने है। इस समय ये आर्मी के पोर्टर हैं, पर ये लोगों का ये था, लोगों ने ये मान लिया कि कहीं वही स्केच वाला व्यक्ति यहाँ अखनूर के बाजारों में तो नहीं घूम रहा। तो पुलिस ने SP रूरल जो है ब्रिजेश शर्मा और SDPO मोहन शर्मा अखनूर जो है तुरंत अपनी टीम के साथ स्विफ्ट एक्शन करते हुए जल्द से उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया और आखिरी उस व्यक्ति को सामने ले आया जिस पर लोगों को संदेह था। और बाद में वो निकला कि वो व्यक्ति जो था वो एक पोर्टर का काम करते हुए अपने घर पर छुट्टी पर आया होता। तो कहीं ना कहीं सारी घटना में असमंजस की स्थिति हो गई थी, आम जनता में डर का माहौल हो गया था कि वही जिस आतंकी हमले का स्केच तैयार किया गया था रियासी आतंकी हमले में, कहीं वो व्यक्ति यहाँ पर तो नहीं घूम रहा, कहीं वो व्यक्ति यहाँ पर हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा। लोगों में एक डर का माहौल था, पर उसी के चलते जब तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने सारे तथ्यों को खंगाला और जल्द से जल्द पूरी वेरीफाई किया और उसके बाद इस पोर्टर को मीडिया के सामने भी लाया, जिसने साफ तौर पर कहा कि मैं पोर्टर का काम करता, अपना नाम के साथ पूरी जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि लोगों में भी इस समय इस तरह की परेशानी है कि जो भी अगर कोई बात भी करते हैं ध्यान से करिएगा, कहीं ये ना हो कल को उस बात अपनी कही हुई बात की वजह से कई लोग डर में या सदमे में चले जाए। सबसे पहले पुलिस को जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से कल अखनूर के बाज़ार में हुआ एक व्यक्ति जो आया, क्योंकि लोग इस समय डरे हुए सहमे हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस पर विश्वास करते हैं कि अगर ये बात पुलिस तक पहुँचेगी पुलिस तुरंत इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। वही हुआ कि कहीं ना कहीं पुलिस की स्विफ्ट एक्शन के माध्यम से लोग जो उस समय वहाँ पर बाजार में खबर फैल गई थी, लोग परेशान हो गए थे, डर का माहौल था, तो वहीं पर कि उन्हें यह लगा कि वही आतंकी जिसका स्केच तैयार किया गया था, जो डिस्क्रिप्शन के आधार पर, जो आई विटनेस के आधार पर रियासी घटना को लेकर जो टेरर अटैक था, कहीं वो आतंकी यहाँ तो नहीं उसी तरह का मिलता जुलता व्यक्ति यहाँ पर घूम रहा। पर देखिए आप, थोड़ी बहुत मिल जरूर रहा है पर ये वो व्यक्ति नहीं है। अपनी जनता को जरूर ये क्लैरिफाई करेंगे कि ये वो स्केच और ये व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग है। ये स्केच जो है ये बनाया गया रियासी टेरर अटैक के उस समय बनाया गया, डिस्क्रिप्शन के माध्यम पर जो हुलिया बताया गया था वहाँ के चश्मदीद के द्वारा, तो इसीलिए स्केच तैयार किया जाता ताकि आम जनता तक ये चीज़ें लाई जाए कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो तो इसे पहचानने में देरी ना करे, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे अखनूर की जनता ने सतर्कता बताई है, सावधानी बताई है कि अगर सच में वो व्यक्ति हो, वो आतंकी होता जिसका डिस्क्रिप्शन यानी स्केच तैयार किया जाता था, तो कहीं ना बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी होती। पर ये ज़रूर कहेंगे कि ये चीज़ें इसी तरह से जनता को सतर्कता बरतनी है, जनता को अवेयर हो रहना है और चौकसी बरतनी है। पुलिस अपना काम करिए, सुरक्षा बल अपना काम करे, पर हमारा जो दायित्व है हमें भी निभाना है, हमें अपनी जो कि मॉरल ड्यूटीज़ को निभाना है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि अगर छानबीन ना होती तो पता ना चलता, लोग इसी तरह से डर में समंजस में रहते थे कौन सा व्यक्ति है। पर पुलिस के स्विफ्ट एक्शन ने जनता के साथ मिलकर ये चीज़ें जल्द ही क्लियर कर दी कि वो एक पोर्टर थे, उसका उस स्केच के साथ कोई लेना देना नहीं है। पोर्टर को सामने भी लाया, पोर्टर ने अपनी पूरी बात भी बताई कि मैं पोर्टर का काम करता हूँ, छुट्टी में आया था। पर ये स्केच जो है ये एक सोशल मीडिया पर भी लगातार चल रहा है, स्केच बिल्कुल अलग है। जो स्केच तैयार किया गया है वो रियासी टेरर अटैक को लेकर वो तैयार किया गया था, तो ये जो व्यक्ति है ये अलग है, ऐसी कोई भी बात नहीं। जनता तक सही बात लाना हमारा कर्तव्य है। SP रूरल जो ब्रिजेश शर्मा ने साफ तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है कि ये एक पोर्टर है, स्केच के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे मार्च अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।